नमस्कार, मैं हूं दिवांशी मोइत्रा। सियासत स्वस्थ हो तो समाज में एक अच्छा संदेश जाता है, लेकिन सियासत अस्वस्थ हो तो समाज सिर्फ सियासी खींचतान देखती। जैसे तूफान से प्रभावित होने के बाद भी बंगाल में लोग देख रहे हैं, जिस बंगाल को अभी कोरोना के ठीक बाद तूफान से काफी नुकसान हुआ, उसी बंगाल में नेताओं का पॉलिटिकल ईगो निम्न स्तर पर पहुंच गया। यास तूफान से हुई बर्बादी को देखने के लिए पीएम मोदी बंगाल गए थे एक बैठक की, लेकिन बैठक को लेकर जो सियासी ड्रामा दिखा उसकी अभी कोई जरूरत नहीं थी। चक्रवात से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए पीएम ने बंगाल के मेदिनीपुर के कलाईकुंडा में एक समीक्षा बैठक की। इसके लिए सीएम ममता बनर्जी को भी बुलाया गया था, लेकिन बैठक तो हुई, लेकिन इसी आड़ में जो पॉलिटिकल ड्रामा हुआ उसकी अब चर्चा हो रही। दरअसल जो रिव्यू मीटिंग बुलाई गई थी उसमें शुभेंदु अधिकारी को भी बुलाया गया था, ये खबर ममता बनर्जी तक पहुंची। ममता बनर्जी को जानकारी मिली कि इस बैठक में पीएम के साथ शुभेंदु भी रहेंगे। इसी के बाद पॉलिटिकल ईगो की लड़ाई शुरू हुई। बताया जा रहा है कि जहां पीएम मोदी की बैठक थी ममता बनर्जी वहीं आसपास थी, लेकिन वक्त से बैठक में नहीं पहुंची। वक्त से तो छोड़िए, जब पहुंची तब भी ममता वहां रुकी नहीं, उनके साथ चीफ सेक्रेटरी भी थे, लेकिन बैठक के लिए कोई भी वक्त से नहीं पहुंचा। आगे सुनिए। जब आधा घंटा लेट ममता बनर्जी पहुंची तो ये कहते हुए तुरंत निकल गई कि उन्हें किसी और जरूरी मीटिंग में हिस्सा लेना है। पीएम की मीटिंग से ज्यादा जरूरी दूसरी मीटिंग को बताते हुए सीएम ममता वहां से निकल गई। हालांकि इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को बंगाल में हुए नुकसान का दस्तावेज सौंपा और बताने की एक भरसक कोशिश की कि बंगाल में कितना नुकसान हुआ। बंगाल में हुए चुनाव के बाद ये पहला मौका था जब पीएम मोदी और सीएम ममता बनर्जी एक दूसरे के सामने थे। नुकसान की भरपाई के लिए ममता बनर्जी ने बात जरूर की और ये भी कहा कि बंगाल को इस नुकसान से उबरने के लिए 20,000 करोड़ की जरूरत है। अब ममता बनर्जी की मीटिंग में शामिल नहीं होने के बाद इस पर खूब टीका टिप्पणी हो रही। बीजेपी का कहना है कि ममता अपनी हार नहीं पचा पा रही, तो टीएमसी भी इस पर पलट कर जवाब दे रही। इन सारी बातों के बीच एक बात जो सबसे मजबूती से कही जा रही है वो ये है कि ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा दिक्कत इसी बात से हुई कि मीटिंग में शुभेंदु अधिकारी को क्यों बुलाया गया। जब प्रधानमंत्री मोदी चाह रहे थे कि सीएम के साथ बैठक करें तो शुभेंदु अधिकारी को क्यों बुलाया गया। ये सब कुछ राजनीति का हिस्सा है जिसका खामियाजा बंगाल के उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो तूफान की चपेट में आ गए। रिपोर्ट खत्म हो उससे पहले एक शेर सुन लीजिए। मुनव्वर राणा का शेर है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती। ये अब दर्शकों का अनुमान लगाना है कि ये शेर किसके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है।